और जो राज्य ये जिम्मेवारी नहीं निभाता है निश्चित तौर पर उस राज्य से उस राज्य की बिहार की सरकार को बात करनी चाहिए। ये पूरी तरह से वर्गलाने का, सबूत मिटाने का, अपराधियों को बचाने का ये खेल कतई नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। तमिलनाडु की घटनाक्रम को लेकर जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। वहीं आपको बता दें कि देखिए बिहार विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, वो जो लोग भी जो प्रवासी हैं तमिलनाडु में, जो लोग भी प्रवासी मजदूर हैं, अब उन लोगों से विजय सिन्हा अपील कर रहे हैं और अपील करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं अब देखिए इस वीडियो में। आज जन कल्याण संवाद के तहत लोगों के साथ हमने बैठा है और सभी क्षेत्रवासियों को, बिहारवासियों को और देशवासियों को होली की शुभकामना के साथ तमिलनाडु की घटना पर जो मजदूर यहाँ आए हैं उनसे भी हमने बातचीत किया है। लोग दहशत में हैं, हमने बताया भी है कि सरकार की टीम गई है, वहाँ की सरकार भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, किसी तरह के अफवाह में न पड़े और किसी तरह की घटना दुर्घटना हो या किसी तरह की बात हो तो आप संपर्क करें। जो नंबर जारी किया गया है जरूरत पड़े तो हमारे नंबर पर भी बात करें। अपने बिहार के श्रमिकों का सम्मान के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए और जिस जिस स्टेट में हमारे ज्यादा श्रमिक और युवा जाते हैं रोजगार के लिए वो स्टेट चिन्हित है। पहले भी सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हम पहल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत है, इसको गंभीरता से लेनी चाहिए और बिहार के श्रमिक अपनी मेहनत और हुनर से पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है। इसके कंपटीशन में लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसके साथ जो दुर्व्यवहार का वातावरण बनाता है ये कतई उचित नहीं है। यह राष्ट्र सभी का है, इस राष्ट्र पर सभी का बराबर का अधिकार है और एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की भाव से लेकर किसी भी राज्य में कोई भी किसी भी राज्य का नागरिक रहता है उसका सम्मान हो और उसको संरक्षण, उसका कोई शोषण दोहन न कर सके, अपमानित न कर सके, हर राज्य की जिम्मेवारी है और जो राज्य ये जिम्मेवारी नहीं निभाता है निश्चित तौर पर उस राज्य से उस राज्य की बिहार की सरकार को बात करनी चाहिए। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भी था, उन्होंने कहा था कि हम पहल करेंगे, सदन के अंदर उनका वक्तव्य का हम लोग इंतजार करेंगे। दूसरी चीज, लखीसराय के अंदर अभी जो आए लाल पहाड़ी के निकट भगवान साहू की एक जमीन के मामले में पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसके परिवार के लोग आए हुए थे, सब रोड़ों के बता रहे थे, अब पोस्टमार्टम में उसे हार्ट अटैक का रिपोर्ट दे दिया गया। इसी तरह का घटना महरामचक में एक आदमी का गला दबाकर हत्या किया गया और उसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, हमने एसपी से भी बात किया है, हम कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले से भी प्रभावित होता है, उस रिपोर्ट को लोग खरीदता भी है, गंभीरता से लें कि अपराधी को बचाने का खेल नहीं होना चाहिए।
इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जब सारा परिवार वो पहले से अल्टीमेटम दिए हुए कि हमारी हत्या कर दी जाएगी, हमको धमकी दे रहा है, तो प्रशासन के लोग क्यों संज्ञान में नहीं लिया? और ये नया ट्रेंड इधर से देख रहे हैं, 3-4 महीने से चला है कि हत्या को आत्महत्या करार दे देगा, हार्ट अटैक करार दे देगा, दुर्घटना का रूप दे देगा। दोनों बेटा घायल है, मारपीट हुआ है, दोनों बेटा भी घायल है। ये पूरी तरह से वरगलाने का, सबूत मिटाने का, अपराधियों को बचाने का ये खेल कतई नहीं होना चाहिए। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो इस तरह की खेल खेलते हैं, उनकी पूरी जांच और तहकीकात होनी चाहिए, मामला को स्पष्ट आनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ले गए थे। तो अभी आपने देखा जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, वो तमिलनाडु के प्रवासी मजदूरों से अपील किया और साफ साफ कहा है कि आप लोग किसी भी भ्रामक खबर के चक्कर में मत पड़िए और हताहत मत होइए। जब भी कोई दिक्कत आपको महसूस होता है तो आप मेरे नंबर पर सीधे कॉल कीजिए या जो भी तमिलनाडु प्रशासन के द्वारा जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए। और भी क्या कुछ कर रहे थे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।